हाथरस केस का सच क्या है? हाथरस पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा? ये वो सवाल हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हाथरस केस की सच्चाई का सच बाहर लाने के लिए सीबीआई ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। सीबीआई हाथरस के उसी गांव में पहुंच गई जहां बेटी के साथ जुल्म हुआ था। आज सीबीआई ने पीड़िता के भाई को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और साथ भी ले गई ताकि वो जानकारियां जुटाई जा सकें जो सीबीआई को केस की तह तक ले जाएं। मगर पीड़िता के परिवार ने यह साफ कह दिया है कि जब तक इंसाफ बिटिया को नहीं मिलता तब तक उसकी अस्थियां विसर्जित नहीं की जाएंगी। हाथरस की बेटी जहां कहीं भी है वो देख रही है अपने पिता को इंसाफ की गुहार लगाते हुए, वो देख रही है अपने भाई को इंसाफ की मनुहार करते हुए, वो देख रही है अपनी भाभी को इंसाफ के लिए तकरार करते हुए। हाथरस में पीड़िता का परिवार लड़ रहा है, खट रहा है, डटा हुआ है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक अनंत में विलीन हो गई बच्ची की अस्थियां विसर्जित नहीं की जाएगी। अस्थियों का विसर्जन करेंगे? अभी नहीं करेंगे, जब हमें न्याय मिल जाए वो उसके पास में देखेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा जब तक नहीं विसर्जित करेगा, और ये भी जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी तब नहीं करेंगे। पूरा परिवार यही बार बार कह रहा था। हाई कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर खड़े पीड़िता के पिता ने यही प्रार्थना की थी कि साहब बिटिया को इंसाफ दिला दीजिए। आपके सामने किसी अफसर को फटकार भी लगी, चाहे डीएम हो? हाँ, डीएम साहब थे। तो हमने बताया कि वो लोग हमें तो बेटी का मुख भी नहीं देखने दिया इन लोगों ने, और बेटी को ऐसे ही जला दिया। तो उन्होंने बताया कि आपको ये अधिकार नहीं है जलाने का। पीड़िता के भाई ने अदालत को यही बताया था कि कैसे हैवानों ने पहले उनकी बहन का शरीर खत्म किया और फिर कैसे पुलिस कर्मियों ने रात के अंधेरे में बिटिया की आत्मा छलनी कर डाली। काश कि ऐसा हो कि राख हो गए जिस्म को गंगा में प्रवाहित करने के पहले कोर्ट के आकाश से उनके हक का इंसाफ रोशनी बनकर चमक उठे। जी हाँ, उन्होंने पूछा था डीएम साहब से कि आपने जो क्रिमेशन जो किया गया है कि इनकी पीड़िता परिवार की इजाजत से किया गया, तो बोल रहे थे कि हाँ हमने तो इजाजत पूछ ली थी। वो भी वहाँ पर झूठ बोल रहे थे बहुत ज्यादा। बस यही सवाल तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को संदिग्ध बना देता है कि ऐसी क्या जल्दी थी कि खत्म हो चुकी बिटिया के माँ बाप भाई बहन को अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिया गया। ऐसी क्या जल्दी थी कि घर वालों की मर्जी के बगैर पीड़िता को आनंद फानंद में राख कर दिया गया। ऐसी क्या जल्दी थी कि घी और गंगा जल से मुखाग्नि पाने का हक छीन कर बिटिया पर केरोसिन डालकर फूंक दिया गया। अदालत ने पीड़ित परिवार को सुना। पीड़ित परिवार ने अदालत के सामने कहा, बिना सहमति के रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया, अंतिम संस्कार में भी हमें शामिल नहीं किया गया। इस पर डीएम ने कहा, काफी लोग जमा थे, कानून व्यवस्था बिगड़ने की वजह से फैसला लिया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने फिर कहा, भारी तादाद में पुलिस वाले थे तो कानून व्यवस्था कैसे खराब होती। कि वहाँ पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा थी, करीब 200 से 300 की संख्या थी, तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ ही नहीं सकता था। पुलिस के पास आम से अपने तरीके हैं, अपना मेथड है, वैसे वो वर्क करती, लेकिन एटलीस्ट उस बेटी को सुबह 5 बजे तक उसको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, परिवार को दिखाया। पीड़ितों को सुनने के बाद अदालत ने यूपी सरकार के अधिकारी और एडीजी को फटकार लगाई और पूछा, किसी अधिकारी या अमीर की बेटी होती तब भी ऐसे ही किया जाता? हमने अपना सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है, राजीनामा दिया है। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है। अभी कोर्ट अपना निर्णय देगी, मुकदमा अभी विचाराधीन है। यूपी सरकार की वकीलों की दलीलें अदालत के कितने पल्ले पड़ी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि हाथरस का पीड़ित परिवार इंसाफ की आस में बैठा है। उसने ठान लिया है कि जब तक बिटिया को इंसाफ नहीं मिलेगा वो बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। राजेश सिंघल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक।
पीड़िता के गांव में सीबीआई हर उस थ्योरी पर जांच कर रही है जो अब तक उठी है। सीबीआई हर उन सवालों के जवाब तलाश रही है जो अब तक उठे हैं। सीबीआई हर उस आदमी से सामना कर रही है जिसका नाम इस केस से जुड़ा है। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि सीबीआई किसी भी सूरत में हाथरस कांड का सच सामने लाने में लग गई है। हाथरस की बिटिया के साथ क्या हुआ था? हाथरस की बिटिया को किसने मार डाला? बिटिया का अंतिम संस्कार आनन फानन में क्यों हुआ? बिटिया का चेहरा अंतिम बार परिवार वालों को क्यों नहीं दिखाया गया? पीड़ित का परिवार यूपी पुलिस से नाखुश क्यों है? पीड़ित परिवार को यूपी पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं? यही वो सवाल थे जिन्होंने संदिग्ध बना दिया था हाथरस कांड की जांच को, जांच कर रहे जांचकर्ताओं को और जांचकर्ताओं की आकाओं को। इसीलिए यूपी सरकार की अनुशंसा पर हाथरस में बिटिया के साथ हुई हैवानियत का सच जानने के लिए सीबीआई को बुलाया गया और सीबीआई आई तो ताबड़तोड़ शुरू हो गई जांच की कार्रवाई। हाथरस में बुलगड़ी गांव में सीबीआई सीधे पीड़ित परिवार के घर पहुंची। साथ में फोरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद थे। उन्होंने भाई और पिता से कुछ सवाल किए। इनक्वायरी तो वहाँ शमशान में गई और जहाँ भी घटना स्थल वहाँ पे भी गई, घर पे भी आए, वो भी पूछताछ करी यहाँ पे घर पे भी, क्या आप कहाँ थे, पिताजी से भी करी, मेरे से भी, आप कहाँ थे, यही पूछताछ करी। बाकी फिर चले गए वो पूछताछ के, मतलब पिताजी कहाँ थे, आप छोटे भाई आप कहाँ थे, तो मैंने बताया कि मैं तो गाजियाबाद था, ड्यूटी पर पहुंच गया था जब घटना हुई थी। पापा स्कूल में थे जब चंदपा जहाँ आयुष फार्मेसी है, वही बताया पापा ने। इसके बाद सीबीआई पीड़िता के बड़े भाई को अपने साथ लेकर निकल पड़ी उस जगह को देखने जहाँ गुनाह हुआ था। जो पीड़िता का भाई है उनको पूछताछ के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। पीड़िता के बड़े भाई हैं, इनको यहाँ से सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए ले जा रही है। इस वक्त सीबीआई की गाड़ी में इनको इस वक्त बैठाया गया है और सीबीआई की टीम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घर में कुछ देर तक रुकी और यहाँ से रुकने के बाद अब सीबीआई की टीम निकल रही है घर से। आप देखिए कि पूरा सीबीआई का जो पूरा काफिला है यहाँ से अब निकल रहा है। सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ देर तक यहाँ पर पूछताछ की परिवार वालों से सारी जानकारी ली और उसके बाद यहाँ आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सीबीआई पीड़िता के जो सबसे बड़े भाई हैं उनको लेकर के यहाँ से जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी इस वक्त खबर है कि पीड़िता के भाई को ले जाया जा रहा है। इस वक्त सीबीआई यहाँ से लेकर के जा रही है। सीबीआई ने पूरी क्राइम सीन की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फैसला किया, हर हिस्से की रिकॉर्डिंग की गई। अधिकारियों ने मुख्य सड़क से क्राइम सीन तक इंच टेप से पूरी दूरी नापी। सबूतों और फोरेंसिक नमूने एक बॉक्स में भरते गए। मौका वारदात पर पुलिस ने 50 मीटर तक घेराबंदी कर दी। घटना स्थल पर सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है और जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनसे इस वक्त मंत्रणा कर रही है। सीबीआई की टीम अब अंदर जो वारदात वाली जगह है जहां पर आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था उस जगह पर यहां पहुंच करके वो सीन देखेगी कि किस तरीके से आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। सीबीआई जानना चाहती थी कि 14 सितंबर को हुआ क्या था, इसीलिए जहां पर अपराध हुआ था वहीं पर पीड़िता की माँ और पीड़िता के भाई को लेकर सीबीआई की टीम पहुंची। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीबीआई ने पीड़िता के भाई से पूछा कि आपको वारदात की जानकारी कैसे हुई, आपने उस दिन क्या क्या देखा था, आप कैसे अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंचे, वारदात के वक्त पीड़िता की हालत कैसी थी, आपने मौका वारदात पर किस किस आरोपी को देखा था। जिस दिन वारदात हुई उसे दिन पीड़िता अपनी माँ के साथ मौजूद थी। ऐसे में सीबीआई ने पीड़िता की माँ को भी मौके पर बुलाया और पूरी जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछा कि वारदात के वक्त वो किस जगह मौजूद थी, उस वक्त पीड़ित बेटी ने उनसे क्या कहा था, क्या खेत में कोई और भी था जिसे आपने देखा हो, क्या आपने मदद के लिए किसी को आवाज लगाई थी तो कौन कौन आया था।
परिवार के दो सदस्यों को वहां सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर बुलाया था, जिसमें पीड़िता का बड़ा भाई और उनकी मां भी थी। उनसे भी कई सवाल किए गए और ये पूछा गया कि 14 तारीख को जो घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था, उस वक्त आप लोग किस जगह पर मौजूद थे और किस तरीके से आप लोगों ने इस पूरी घटना को देखा? अस्पताल गए या इसके अलावा आप पुलिस स्टेशन गए? किस तरीके की आप लोगों ने उस समय कदम उठाए थे? सीबीआई के सामने पीड़ितों के बयान बेहद अहम है, क्योंकि सीबीआई को जब जांच मिली तब तक बहुत समय गुजर चुका है। ऐसे में सीबीआई के सामने भी चुनौती है कि वो सच को कितनी परतों से खंगाल के लाती है। राजेश सिंघल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। हाथरस कांड में अलग अलग तरह के कई तरह के सवाल उठे। सवाल ये भी उठे कि पीड़ित परिवार के मोबाइल से आरोपी को मोबाइल पर फोन कौन करता था। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों का परिवार लगातार ये कह रहा है कि आरोपी निर्दोष हैं। सवाल ये है कि तो फिर सच क्या है? अस्थियां हैं वो आपने विसर्जित कर दी या नहीं? जी नहीं, विसर्जित अभी नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं विसर्जित करी। उसके भाई ने, उसी की माँ ने ही कराया जो कुछ कराया। हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं, न कोई अभी न्याय मिलो और हमारे ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे। पुलिस जांच कर चुकी, एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देनी है और सीबीआई इस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिर हाथरस के बिटिया की हत्या का सच क्या है। सीबीआई हर उस पहलू पर नजर जमाए है जहां से उसे लीड मिल सकती है। इस कड़ी में उस थ्योरी पर भी सीबीआई की नजर है जिससे ये बात सामने आई थी कि पीड़िता के भाई के फोन नंबर से आरोपी की बातचीत हुई है। ये कॉल डिटेल्स अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 के हैं। ये कॉल डिटेल्स पुलिस ने जारी किए हैं। इसमें ये साफ नहीं है कि आरोपी संदीप ठाकुर से पीड़िता के परिवार के किस सदस्य ने बात की है। हालांकि पीड़िता के परिवार का कहना है कि ये सब एक षड्यंत्र है। फोन तो एक ही रहता है, फोन पापा के पास रहता है या फिर दादी वादी के पास रखा रहता है। पूरा ये षड्यंत्र से बचाया जा रहा है, हर तरीके से बचाया जा रहा है। कभी कहते हैं कि लड़की चल की गई है, वहाँ से मार डाली है, कभी कुछ कहते हैं रात के 9:30 बजे मार डाली। हाथरस कांड में पीड़िता के दो दो बयान भी। 14 सितंबर को पीड़िता ने गैंगरेप की बात नहीं कही थी, जबकि 22 सितंबर के बयान में आरोपियों के नाम भी लिए और गैंगरेप की बात भी कही। किसने मारा आपको? किसने? और किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो घर से ले गए थे। फिर अब मैं जब ले रही थी तो वो खत्म ले गया मुझे और गला दबा दिया। जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ? आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष जिन चार लोगों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, वो चारों न्यायिक हिरासत में हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। अलीगढ़ में बंद आरोपी संदीप ने तो 8 अक्टूबर को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उसने खुद को बेकसूर कहा था। आरोपियों का परिवार भी लगातार कह रहा है कि उनके बच्चे निर्दोष हैं। बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया है, उसके भाई ने, उसकी माँ ने किया है, मेरे बच्चों ने कुछ गुनाह नहीं। इसके अलावा 8 अक्टूबर को पुलिस की तरफ से क्राइम सीन का एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में चार हसिया दिख रही हैं, चप्पल और दूसरा सामान भी है। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो वारदात के दिन यानी 14 सितंबर का है और वारदात के कुछ देर बाद का है। सीबीआई की नज़र इस वीडियो पर भी जरूर है। अब हाथरस हत्याकांड के सच का इंतजार है ताकि इंसाफ हो सके। राजेश सिंघल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। हाथरस केस में अब बात उस महिला की जो हाथरस केस की तरह ही मिस्ट्री बनकर सामने आई। इस महिला को किसी ने नक्सली कहा तो किसी ने पीड़ित परिवार के रिश्तेदार होने पर सवाल उठाए, मगर असल में सच क्या है देखिए। हाथरस कांड में उठ रहे तमाम सवालों के बीच मिस्ट्री बनकर सामने आई इस महिला की तस्वीर सामने आई तो अलग अलग तरह की आशंकाओं के बीच सवालों का नया शामियाना तन गया। उनको लग रहा है ना, हर बात में तोड़फोड़ किया जा रहा है, ऐसी राजनीति
खुद को हाथरस पीड़ित परिवार के सदस्य बताने वाली महिला का सच आखिर क्या है, ये सवाल उठने लगे। आरोप तो यहाँ तक लगे कि इस महिला का नक्सल कनेक्शन है। अपने ऊपर लग रहे सवालों पर राजकुमारी बंसल नाम की इस महिला ने क्या जवाब दिया, सुनिए। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, मैं तो आप ही से पूछना चाहती हूँ कि नक्सली मतलब होता क्या है, डेफिनेशन क्या है नक्सलियों की। मैंने तो कभी नहीं पढ़ा कि नक्सली क्या होता है, मुझे एक्जैक्टली वर्ड्स तो नहीं पता है, डेफिनेशन भी नहीं पता है, और मेरा नक्सलियों से कहीं कोई संबंध नहीं है। जैसा कि आपको पता है मेरे बारे में, मैं डॉक्टर हूँ। मैं राजकुमारी बंसल पेशे से सहायक प्रोफेसर है, वो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नौकरी करती है, लेकिन हाथरस पीड़िता के घर वो क्यों गई, ये सवाल उनसे मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने पूछा है। जाहिर सी बात है कि हाथरस में बिटिया की मौत की मिस्ट्री खुलेगी तो सारे सवालों के जवाब भी मिल ही जाएंगे। जबलपुर से धीरज शाह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक।